अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम् नित्यमेव प्रकाशताम्। सुबह हमने ये बात समझी थी कि ज्ञान करना चाहिए, ज्ञान के बिना कुछ नहीं है। तत्व ज्ञान, सम्यक ज्ञान बहुत जरूरी है। अब प्रश्न है कि सम्यक ज्ञान कैसे। पहले तो कोई प्रकरण बहुत लंबा, कई घंटे अपन बात कर सकते हैं कि ज्ञान की क्या महिमा है। तो पहले तो उसे अपने मन में बिठाओ कि ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है, ज्ञान की बड़ी महिमा है। अब मैं दूसरा स्टेप लेता हूं, पर वो दूसरा स्टेप है कि सम्यक ज्ञान कैसे हो। वाक्य सम्यक ज्ञान की प्राप्ति का क्या उपाय है, तो उसके बारे में जो कोई रहस्य मेरी समझ में आया है जिनवाणी को पढ़ के, अब मैं आपको वो बताता हूँ। सम्यक ज्ञान की प्राप्ति अनेकांशवाद सिद्धांत को समझने से होती है और कोई उपाय नहीं है। अभी मैंने मंगलाचरण किया, उसमें अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम्। इसके अलावा भी मैं अभी आपको सैकड़ों श्लोक और आकर के वचन बता सकता हूँ जिनमें ये लिखा है कि स्याद बात को समझो। ऐसा लिखा है, परमागमस्य जीवम पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के दूसरे नंबर के श्लोक में ऐसा लिखा है कि परमागम का प्राण है स्यादवाद, जिनवाणी की आत्मा है स्यादवाद। आत्मा और प्राण शब्द समझिया, इससे बड़ी कोई उपमा नहीं हो सकती। मैं कहूँ कि ये मेरा हाथ है, कोई मेरा दोस्त हो तो मैं आपसे कहूँ ये मेरा पैर है, ये मेरा हाथ है, ये मेरी आँख है, ये मेरा कान है, ये मेरा मुंह है, तो आपको उसका महत्व तो समझ में आता जाएगा। लेकिन मैं कदाचित कहूँ कि ये मेरा प्राण है तो आपको क्या समझ में आएगा, क्योंकि बहुत बड़ी बात कह रही, इससे बड़ी उपमा और कोई नहीं। आँख नाक कान हाथ वो कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन प्राण होना वो बहुत बड़ी बात है। तो जैन दर्शन का प्राण यदि कोई चीज है तो वो है स्यादवाद। मैं जाने आपसे क्या कहना चाहता हूँ और कितनी जोर दे के कहना चाहता हूँ और कितने प्यार से कहना चाहता हूँ। कोई कहे मेरे पास में जो बढ़िया से बढ़िया माल हो वो आज आप हमें दे दें, तो मैं वो चीज आपको देना चाहता हूँ जो चीज मेरे चित्त में 24 घंटे घूमती है।
जिसके बिना जिनवाने की एक भी लाइक नहीं है, उस सिद्धांत का नाम है स्यादवाद। और तू तो जैन दर्शन की विदुषी बन रही हो, तुम्हें ये स्यादवाद सिद्धांत बहुत अच्छी तरह समझ में आना चाहिए। अभी मैंने ये टॉपिक बहुत जानबूझ के लिया है, क्योंकि स्यादवाद सिद्धांत को कहते सब है, सब बोलते हैं, पूजा भी कर देंगे, पर स्यादवाद सिद्धांत को सही से समझने वाले आपको अजैनों में तो मिलेंगे ही नहीं, जैनों में भी। और मेरा तो ऐसा अनुभव है, जैन विद्वान तक भी स्यादवाद को अच्छे से नहीं समझ रहे, कई जगह पाठ को घुमा फिरा करके ले आते हैं। मैं आज उसी पर थोड़ी चर्चा तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। स्यादवाद कोई बहुत कठिन सिद्धांत नहीं है, सरल है, लेकिन उसको समझने में, उसको घटित करने में अच्छो अच्छो को पसीने छूटते हैं, इसलिए वो उसको कठिन बोलते हैं। मैं अभी जो खोल रखी है समय सार में 204 नंबर का कलश भर रखा है, पेज नंबर 596। देखो इस कलश में भी क्या लिखा है, ये लिखा है कि जो लोग आत्मा को केवल अकर्ता कहते हैं या केवल आत्मा को कर्ता कहते हैं, वे मारे गए। हत्या कहे वे, उन्होंने अपना सत्यानाश कर लिया। और कैश्चित श्रुति को पिता, और उनके ऊपर श्रुति कोप करती है, जिनवाणी माता उसे नाराज होती है। श्रुति को पिता, श्रुति माने जिनवाणी, कोप माने गुस्सा। जो आदमी क्या लिखा कि जो आत्मा को कर्ता ही मानते हैं या अकर्ता ही मानते हैं, वे आत्मघाती है। इससे बड़ा शब्द क्या देंगे, वे आत्मघाती है और वे जिनवाणी के कोप के भाजन है। तो इसलिए मैं आप सबसे ये कहना चाह रहा हूं कि स्यादवाद सिद्धांत को जरूर समझो और स्वीकार करो, और कुछ कठिन नहीं है। स्यादवाद माने क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सरल है, कुछ भी नहीं है। तुम दुनिया में टक्कर ले लोगे, मैंने बहुत मेहनत करके मर्म निकाला है, मैंने 110 घंटे अभी स्यादवाद पर बोला है, 110 घंटे बोला है स्यादवाद, और कितना बोला है और कितना पढ़ा है, और मुझे जो माल मिला है, जो आनंद मिला है, वो तीन लोग का राज्य मिल जाएगा वो कुछ नहीं है। मुझे अमृत मिला है, अमृत, हाँ अमृत जानता है, मेरे मस्त रहता हूँ, वो सब स्यादवाद की कृपा है। स्यादवाद पढ़ लोगे तो जिंदगी भर को सुलझ जाओगे, कभी कोई कष्ट नहीं होगा, सारे दुखों से मुक्ति का उपाय है स्यादवाद। इसलिए इसे तुम अच्छे से समझ लो, और मैं तुम्हें आज बहुत सरल से बताऊंगा, मैं समझाऊंगा, तुम बिल्कुल मत घबराओ। लेकिन तुम एक दफे इस पर थोड़ा सीरियसली ध्यान दो, स्यादवाद से बड़ा कोई सिद्धांत नहीं है, हर सिद्धांत में स्यादवाद का रूप है। देखो क्या है, चुटकियों का काम है। स्यादवाद माने क्या होता है, स्यादवाद शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, स्याद प्लस वाद। स्याद माने कथन, चित, याद रखना, भूलना नहीं, गड़बड़ सड़बड़ नहीं करना, जरा सी परिभाषा बता रहा हूँ, ये भूल जाओगे तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा।
आत्मा ने क्या कथन जी एक अपेक्षा से एक दृष्टि से याद रहेगा आत्मा ने क्या कथन जी कथनचित माने एक अपेक्षा से एक दृष्टि से और वाद माने वदलम वाद वाद माने क्या वाद माने वाद शब्द वद धातु से सहती वदती माने बोलता वदती वदता वदती वदसी वदता वदत वदामि वदा वद माने बोलना स्याद वाद ये कह रहा है आप हमेशा स्याद लगाकर बोला करो ऐसी दो टप्पे की बात है स्याद वाद का क्या मतलब है समझना के सबको स्यादवाद सिद्धांत का क्या मतलब है ये मतलब है क्या कहना चाहती है जिनवाणी इतने जैन आचार्य क्या कहना चाहते हैं वो ये कहना चाहते हैं कि आप कुछ भी बोलो या कुछ भी सुनो चाहे कुछ भी सुनो चाहे कुछ भी बोलो स्याद लगा कर बोलो स्याद लगा कर सुनो तब तुम स्यादवादी हो तब तुम जैन हो जो स्यादवादी है वो जैन है और जो स्यादवादी नहीं है वो अजैन है समंत बद्राचार्य ने स्यादवाद का सबसे ज्यादा विस्तार से वर्णन किया और उन्होंने ये लिखा कि क्या सही और गलत में जरा सा अंतर है सही और गलत सत्य और असत्य में कौन बात सत्य है और कौन बात झूठ है इसमें जरा सा अंतर है कि क्या अंतर है कि जो सही बात होती है उसमें स्याद लगा होता है और जो गलत बात होती है उसमें स्याद नहीं लगा होता है सर्वथा लगा तो अब आप समझ लो अगर आपको जिम्मेवारी समझनी है जैन धर्म समझना है तो अब छाती पक्की कर लो जो भी बात सुनो या जो भी बात बोलो समझना ये सर्वथा सही नहीं है ये बात एक अपेक्षा से सही है ये बात कहने में तो चोरी तो हो गई इतनी सी चोरी है लेकिन ये चोरी सब जगह लगनी चाहिए यही इसका कमाल है समझ में आया स्याद लगाकर हर सेंटेंस एवरी सेंटेंस कोई कोई एक भी एक्सेप्शन नहीं ऐसे और ये यहाँ नहीं लगेगी ऐसे नहीं 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 फिर याद बात का महत्व खत्म हो जाएगा अगर एक भी वाक्य ऐसा निकल जाए कि जहां स्याद नहीं लगा सकते तो फिर स्यादवाद का महत्व खत्म स्यादवाद का महत्व है कि आपको विश्व में एक भी वाक्य ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें स्याद नहीं लगा सकते आपको हर वाक्य में स्याद लगाना आना चाहिए कोई कुछ भी कहे कैसी भी बात हो जब अब आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी और कुछ नहीं है वो काम है आचार्यों ने बहुत उदाहरण दिए हैं जैसे आप कहते हो कौवा काला होता है एक छोटा सा वाक्य लेते हैं कौवा काला होता है तो जैन आचार्यों ने कहा स्याद हम तो स्यादवादी हैं कौवा काला होता है बोले इसमें क्या एक अपेक्षा बोले देखो कौवा पंखों की अपेक्षा से काला अगर उसे हड्डी की अपेक्षा देखोगे तो सफेद है खून की अपेक्षा देखोगे तो लाल है पित्त की अपेक्षा देखोगे तो पीला है नसों की अपेक्षा देखोगे तो नीला है वास्तव में कौवा पंचवर्णी है कौवा काला नहीं है अगर कौवे को काला मानोगे तो तुम एकांतवादी हो गए कौवा स्यादवाद से अनेक
पहले कांतिवाद से इस यादवाद का ही दूसरा नाम अनेकांतवाद है। अनेकांतवाद मतलब कौवे में अनेक अंत है, अंत माने डायमेंशंस, उसमें अनेक गुण धर्म है। आप कोई भी बात बोलोगे उसमें स्याद लगाना जरूरी है, तभी सही है। और स्याद नहीं लगाओगे तो वो बात इनकम्प्लीट है, गलत है, एकांगी है, वो पूर्ण नहीं है। वो बात कोई भी बात हो, जैसे समझो कोई कहे कि कोई पूछे मुनि महाराज को आहार देना चाहिए कि नहीं, कोई आपसे पूछे मुनि महाराज को आहार देना चाहिए कि नहीं, बताओ देना चाहिए लेना चाहिए ना, ये बताओ आज का उपवास हो तो रात हो रही हो तो हम अशुद्ध हो तो भोजन अशुद्ध हो तो दस जगह तो ना कर रहे हो। एक हमने पूछा महाराज को आहार देना चाहिए क्या, आपने धड़े से सबसे आज खड़ा कर दिया देना चाहिए, लेकिन देना चाहिए ये बात एक अपेक्षा से सही है, बाकी की सैकड़ों अपेक्षाएं ऐसी है जिनसे नहीं देना चाहिए। तो भी नहीं देना चाहिए भी आज तो कर, मैं को भगवान का अभिषेक पूजन करना चाहिए हर दुनिया की कोई बात की कोई बात ऐसी लाओ मेरे सामने। मैंने पता है जयपुर टोडरमल स्मारक में शिविर में बड़ी सभा में विद्वान भी बैठे थे, मैंने चैलेंज किया कि जैसे वो सतावधान प्रदर्शन करते हैं ना, सतावधान जानते हो, एक सतावधान नाम का प्रदर्शन होता है श्रीमद रायचंद सतावधानी के। सतावधानी का मतलब है 100 लोग बैठ जाओ और एक एक जना कुछ 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 पूछ लो, और बाद में कोई पूछता है 32 नंबर वाले का उत्तर दो, 32 नंबर का, 64 वाले का दो, उनको 100 याद रह जाते हैं, इसको बोलते सतावधान, बहुत तीव्र बुद्धि का कमाल। मैं भी आज एक प्रदर्शन करना चाहता कि तुम कोई भी वाक्य लाओ मेरे सामने, मैं उस वाक्य को स्याद लगाकर सही सिद्ध करूंगा और सर्वथा लगाकर गलत सिद्ध करूंगा। और वाक्य आप कोई भी हो, किसी ने कहा आग ठंडी होती है, सही सिद्ध करो, अग्नि ठंडी होती है क्या, नहीं होती। आप देखो समझने की बात, आपको मुझे आज यही कला सिखानी है। तुम सियाद पर तुम जैन दर्शन के विद्वान बन के जाओगे ना बाहर, तो कोई कहेगा जैन दर्शन का पहला सिद्धांत तो अनेकांतवाद है, समझाओ, तो कैसे समझाओगे। आपको घटित करना आना चाहिए, मुझे आपको घटित कर, थ्योरी क्लियर है, थ्योरी तो जरा सी है, थ्योरी इतनी सी है कि आप कोई भी बात बोलो दान देना चाहिए। अब आगे अब मेरे भी कान काटने लग गए, सही है, अच्छी बात है, यही समझना है, आपको असली ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। हर बात अपनी लिमिट में सही होती है, लिमिट क्रॉस करके आपने मोटे मोटे उदाहरण तो खूब सुने होंगे, वो मैं नहीं दे रहा कि एक ही स्त्री माँ भी है, बेटी भी है, बुआ भी है, ये सब खूब सुने होंगे, एक ही आदमी पापा भी है, बेटा भी है, मामा भी है, भाई, ये सब सुने। मैं तुमको कुछ कठिन दृष्टांत दे रहा हूँ जिसको घटित करने में पसीने आएंगे, लेकिन वो सब आपको लगाना आना चाहिए। अग्नि ठंडी होती है, मैंने कहा सुनो, मैंने कहा हाँ होती है, प्यास लगा अग्नि ठंडी होती है, ये बात भी सही है, अपेक्षा से अग्नि गर्म होती है, ये बात सर्वथा सही नहीं है, क्यों, अग्नि 36 तरह की होती है, केवल एक अग्नि गर्म होती है,
जठराग्नि भी होती है। जठराग्नि पेट की, पेट की अग्नि को जठ, अभी जठराग्नि मैं बोलूंगा भूख लग रही है तो बोलूंगा जठराग्नि, तो इसके ऊपर भगवान रूप तो दूध अग्नि तो है, जठराग्नि अग्नि है कि नहीं, क्रोधाग्नि अग्नि है कि नहीं। अच्छा ये बताओ अग्नि सारी अग्नि गर्म होती हो तो जो त्रिशला माता ने सपने में भी तो एक अग्नि देखी थी वो कैसी थी? अगर गर्म होती तो जल जाता उसका सिर, तो उसमें उठ के सिद्धार्थ राजा के पास जाएगी पाती। वो देखो एक कमाल की बात बता दू, दुनिया में हर चीज तीन तरह की होती है, कम से कम 36 छोड़ो, दुनिया में हर चीज तीन तरह की होती है, शब्दात्म अर्थात्म और ज्ञानात्म। ये मान समझ लो तुम, क्या कहा फिर से सुनो बड़े, मैं तुमको चाबी देके जा रहा हूँ लॉकर की, कुछ नहीं है उसके सामने। हर चीज तीन तरह की होती है, एक शब्दात्मक, एक अर्थात्मक, एक ज्ञानात्मक। अग्नि तीन तरह की, एक शब्दात्मक, एक अर्थात्मक, एक ज्ञानात्मक। जो चूल्हे में जो अग्नि होती है ना जिस पर रोटी सिकती है वो अग्नि अर्थात्मक अग्नि है, अर्थ माने पदार्थ, वो भौतिक पदार्थ है, वो तो अर्थात्मक अग्नि है, लेकिन एक अग्नि ज्ञानात्मक होती है। ज्ञान में जो अग्नि आती है वो भी अग्नि है, और एक शब्दात्मक होती है, जो दीवार पर अग्नि बन जाती है वो क्या है? अच्छा टीवी पर जो अग्नि जलती है, टीवी पर अग्नि, कोई झोपड़ी जल रही है तो वो गर्म है कि ठंडी बनाओ, अगर उसमें स्क्रीन पर हाथ लगा तो ठंडी ठंडी लगती है, वो क्यों नहीं गर्म होगी? प्रोजेक्टर पर अग्नि दिखाओ तो पर्दा जलेगा कि नहीं? क्यों नहीं जलेगा? अग्नि तो है। बोले यही तो कमाल है, सारी अग्नि गर्म नहीं होती है, केवल एक अग्नि गर्म होती है, अर्थात शब्दात्मक अग्नि गर्म नहीं होती, ज्ञानात्मक अग्नि गर्म नहीं होती। कितनी गजब की बात है। किसी ने कहा अभव्य को सम्यक दर्शन हो सकता है, सिद्ध करो। प्रश्न समझ में आया? मैं आपको ये कला सिखा रहा कि कैसे सिद्ध होता है। हर वाक्य में देखो अनंत आचार्यों का और अनंत तीर्थंकरों का एक वाक्य याद रखो, कोई भी बात स्याद लगा के सुनो और स्याद लगा के बोलो सावधान। अगर तुम्हें जैन रहता है जिनवाणी समझना, कोई भी वाक्य हो कोई भी। अब मैं वाक्य रख रहा हूं आपके सामने, बताओ अभव्य को सम्यक दर्शन हो सकता है? हो सकता है कि नहीं? अब मैं आज आपको, मैं छोटे में बड़ी बात करूंगा, मैं कह रहा हूँ मैं आपको वो घटित करके बता रहा हूँ, कोई नहीं हमारे जैन विद्वानों की सत्या पक्का हो गया सब। नहीं नहीं यहाँ थोड़ी लगेगा, यहाँ थोड़ी लगेगा, तो कैसे नहीं लगेगा? अगर नहीं लगेगा स्यादवाद सिद्धांत महत्वहीन है। स्यादवाद सिद्धांत का मतलब इतना सा है, जरा सा मतलब है, हर बार अब इतनी सी बात याद रखना, कभी भी कोई पूछे स्यादवाद सिद्धांत का क्या मतलब है, एक अपेक्षा से कि कोई भी वाक्य बोलो या सुनो तो स्याद लगा, तो हर जगह लगना चाहिए। अभव्य को सम्यक दर्शन हो सकता है कि नहीं? बताओ ये अभव्य को एक अपेक्षा से सम्यक दर्शन करा रहे हैं,
कैसे हो सकता है? अब भक्त की तो परिभाषा ही यह है कि जिसको सम्यक दर्शन नहीं होगा उसका नाम अभक्त है, जिसे कभी सम्यक दर्शन नहीं होगा वह अभक्त है। फिर भी देखो किसी आदमी का नाम हो अभक्त जज गई बात। अब दूसरी चाबी ले लो, एक लॉकर की चाबी जो पहले दे दी। दुनिया की हर चीज तीन तरह की होती है, पहली चाबी याद रखना, हर चीज तीन तरह की होती है। मकान तीन तरह का, दुकान तीन तरह की, मंदिर तीन तरह का, मंदिर तीन तरह का, हर चीज सेवन तीन तरह का, हर चीज तीन तरह की होती है। अब दूसरी चाबी ले लो, दुनिया की हर चीज चार तरह की, नाम स्थापना हर चीज चार तरह की होती। राजा चार तरह का होता है, एक नाम राजा, नाम राजा मैंने मेरा कुत्ता है और मैंने नाम रखा है नहीं हो सकता है, मैंने मेरे स्कूटर का नाम रख रखा है राजा, तो वो क्या है? नाम राजा। एक होता है स्थापना राजा, राजा का चित्र फोटो मूर्ति ये सब क्या है? स्थापना राजा। और जो कभी राजा बनेगा, बनने की जिसमें योग्यता है संभावना है वो द्रव्य राजा, और जो वर्तमान में राजपद पर बैठा है वो भाव राजा। अभक्ति केवल भाव और भक्ति क्यों आए? अभक्ति चार तरह के होते। किसी ने कहा कि भैंस उड़ गई सिद्ध करो, मेरे पास आजा बिजली बैठी है ना हमारी क्लास में, पढ़ा चुका है। समझ में आया? एक ने तो भैंस उड़ गई सिद्ध करो, मैंने कहा एक आदमी की मुर्गी मोटी थी, एक मुर्गी एक आदमी के पास मोटी थी और वो उस मुर्गी को कहता था भैंस। एक दिन वो उड़ गई तो उसने क्या कहा? भैंस। अरे नाम निश्चय से तो भैंस उड़ सकती है ना, क्यों मेरी समझ में नहीं आता। और नहीं, हजारों अपेक्षाओं से ये तो मैं एक एक बता रहा हूं। अभी जैसे अभक्त को सम्यक दर्शन हो सकता, अच्छा समझ लो कि वो भाव से अभक्त है। कोई व्यक्ति ऐसा है, कोई जीव जो भाव से अभक्त है, लेकिन सम्यक दर्शन किसी किताब का नाम है, सम्यक दर्शन किसी बिल्डिंग का नाम है और वो उसको खरीद सकता है कि नहीं। अभक्त नाम का व्यक्ति एक सम्यक दर्शन नामक कंपनी है, कोई समझ लो एक कंपनी चलाते हैं आज की, और वो अभक्त उनसे खरीद सकते हैं। आज तक उसके सीईओ ये है, कंसल हो जाएगा तो कहेगा मैंने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। क्यों घबराते हो? अच्छा सिद्ध भगवान दुखी हैं, सुखी है तो सिद्ध कर सकते हो, लेकिन सिद्ध भगवान दुखी है सिद्ध कर सकते हो? कैसे सिद्ध करोगे? मौत गई जानी। सारे लोग खोलोगे, सारी
जाओगे ना तो कभी दिक्कत नहीं आएगी। दुनिया का एक भी वाक्य ऐसा नहीं है जो सर्वदा सत्य हो, एक भी वाक्य ऐसा नहीं। सिद्ध भगवान दुखी है, कितनी अपेक्षाओं से सिद्ध करोगे, एक कर दी नाम। इन्होंने बोला किसी व्यक्ति का नाम सिद्ध, किसी गरीब आदमी का नाम है सिद्ध, तो वो दुखी है तो फिर क्या बोलेंगे? सिद्ध दुखी है, हो गया सिद्ध। और कोई अपेक्षा ध्यान आ रही है? और सिद्ध मैं 20 अपेक्षा बता सकता, उन सिद्धों को दुखी सिद्ध कर सकते जो सिद्ध से ज्यादा पास भूत में, भूत में उसके भूत में, भूत ने कपने से सिद्ध भगवान दुखी है, भूत ने कपने से दुखी है कि नहीं बताओ भाई? भूत ने कम से दुखी है, भूत ने कपने की नजर से देखो तो वे अभी दुखी है भूत ने कपने से। ये तो मोटे मोटे उदाहरण तो बहुत, संवेद शिखर पूरब में कि पश्चिम में, उत्तर में कि दक्षिण में, कि तू कहाँ खड़ा है वो बता। पूरब वाला बोलेगा पश्चिम में, पश्चिम में, पश्चिम वाला बोलेगा जटिल जटिल बातें, ऐसी बात रख रहा हूँ कि जिन पर अच्छे अच्छे लगा नहीं पाते उन पर लगा के बता रहा। अच्छा सिद्ध भगवान जड़ है, अचेतन, स्थापना निश्चय से सिद्ध भगवान की जो मूर्ति है। अब देखो यदि स्यादवाद नहीं समझोगे, एक ही अपेक्षा लगाओगे तो पूरी बात समझ में नहीं आएगी। क्या बढ़िया लिखा है कि जो लोग स्यादवाद नहीं मानते हैं वे आत्मघाती है, और वे उन पर जिनवाणी कोप करती है। क्या करती है? कोप करती है। आपको जिनवाणी गुस्सा हो जाए, आपसे पसंद है, कोई कौन चाहता है कि जिनवाणी गुस्सा हो जाए? अच्छा वार्ड में गुस्सा हो जाए वो एक न्यारी। अरे जिनवाणी गुस्सा हो जाए फिर क्या होगा? अच्छा बताओ जो दर्पण में मोर दिख रहा है दर्पण में, वो मोर है कि नहीं? पहले तो चक्कर आया है, एक के मुंह से निकला है, एक के मुंह से निकला नहीं, फिर सबने चिल्लाया। दर्पण में दिखने वाला मोर स्थापना, वो कथनचित मोर है और कथनचित मोर नहीं। ये तो लगाना सीखना है, इस कमरे में अंधेरा है तो उजाला। कथनचित अंधेरा है, कथनचित उजाला है, इस समय दिन है कि रात? रात कैसे इस आया समझ में? अच्छा मैं हूं कि नहीं हूं? मैं भी हूं नहीं हूं? अरे और एक और इच्छा भी है, हर चीज स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वभाव की अपेक्षा से होती है, पर द्रव्य स्वक्षेत्र स्वभाव की अपेक्षा से नहीं होती है। मेरे घर फोन करोगे और पूछो मेरी पत्नी उठाएगी रात, पूछना मेरी सागर जी है कि नहीं है, तो बोलेगी नहीं है। नहीं है माने उसने तो कहा नहीं है,
उन्होंने तो सिर्फ तुमने इतना ज्यादा वीर सागर जी है और उन्होंने सिर्फ इतना बोला नहीं है नहीं है और रख दिया। अब नहीं है माने क्या नहीं है, नहीं है का मतलब है इस क्षेत्र में इस की बात नहीं हो रही है। बताओ कैसी गजब गजब की बातें हैं। फिर रिपीट कर रहा हूं, दुनिया का हर वाक्य कोई भी वाक्य मंदिर बनाना चाहिए, पूजा करनी चाहिए, दान देना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, नहीं भी करना चाहिए। लो जी कह रहे स्वाध्याय और भी हजारों अपेक्षा है, एक एक बात की बीसों बीसों अपेक्षाएं है। सांस ले लेके पढ़ाऊंगा काली पीपी के पढ़ाते हैं तो कहते हैं काली पीपी के को सुनना। एक और गजब का वाक्य बोल, समय हमें पता नहीं चलेगा तो चले अच्छा हाँ सामने क्या वाक्य लिखते हैं आज। वो कहते हैं कि यदि आप एक ही समय में अस्ति और नास्ति नहीं मानोगे तो वस्तु में अर्थ क्रियाकारित्व नहीं होगा। फिर से सुनो, दो दफे सुनो, तसल्ली से ज्यादा कठिन का बात वाक्य है, लेकिन मैं समझाऊ और तुम समझो पर चुटकी हो मैं समझू। फिर सुनो, यदि एक ही समय में अस्ति और नास्ति दोनों नहीं मानोगे तो अर्थ क्रिया कारित्व नहीं घटित होगा। अर्थ क्रिया कारित्व, अर्थ माने पदार्थ, पदार्थ अपनी क्रिया को अपनी अपनी सार्थकता को सिद्ध नहीं करेगा, वस्तु अवस्तु हो जाएगी, वस्तु निरर्थक हो जाएगी। कैसे? अभी इस बात को उदाहरण देता हूं फिर आऊंगा। जैसे अब ये बताओ, नाटक में जो राम है, रावण है, सीता, नाटक का राम राम है कि नहीं? नाटक का राम, नाटक की सीता, नाटक की सीता सीता है कि नहीं? यदि सर्वथा मानो तो क्या दिक्कत है? क्यों गलत हो जाएगा? ये यदि वो सर्वथा सीता है तो नाटक नहीं है, तो ये नाटक नहीं है। और यदि वो सर्वथा सीता नहीं है तो ये नाटक नहीं है। फिर सुनना, फिर सुनना, अब उस वाक्य में आ जाओ। यदि एक ही समय में दोनों बातें ना हो, अस्ति और नास्ति, तो पदार्थ अर्थ क्रियाकारी नहीं होगा, अर्थ क्रिया नहीं कर सकेगा। उस नाटक को नाटक होने के लिए, नाटक को नाटक होने के लिए ये जरूरी है कि वो सीता हो भी और नहीं भी। अगर वो गारंटी से सीता, पक्की सीता है, सच्ची सीता है, नाटक कभी नहीं है। और यदि वो सर्वदा नाटक सीता नहीं है तो भी नाटक नहीं, तो भी नाटक नहीं है। अच्छा देखो, एक चित्रकला है, पेंटिंग है, बढ़िया। उस पेंटिंग में आपने मोर बनाया, कुछ बनाया, कोई चीज बनाया, आपने एक फूल बनाया, बढ़िया पेंटिंग।
अब ये बताओ कि ये जो आपने बढ़िया हाथी की हाथी की पेंटिंग बनाई, घोड़ा बनाया, ये बताओ ये जो घोड़े की पेंटिंग है, ये पेंटिंग का घोड़ा घोड़ा है कि नहीं? यदि ये घोड़ा नहीं है तो पेंटिंग नहीं है, और यदि ये घोड़ा है तो पेंटिंग है। अब समझ में अर्थ क्रिया कार्य की समझ में आया? बस इसमें झूठ जाएंगे लोगों को समझ में समझ आने में। आज मैं समझा दिया अर्थ क्रिया कार्य किसे कहते हैं? ये जो पेंटिंग का घोड़ा है, ये घोड़ा है कि नहीं है? यदि ये सर्वथा घोड़ा है, क्या क्या अवार्ड आई क्या बहुत बड़ी पेंटिंग बनाई को अवार्ड दिया जाए, फिर चित्रकला को मिटा दो, चित्रकला नाट्य कला ये सब खत्म करो, मिटाओ इनकी किताबें, ये विद्या ही खत्म। अरे वो चित्रकला में दिख रहा मोर, चित्रकला चित्र में दिख रहा घोड़ा, वो घोड़ा है भी और नहीं, और तभी वो चित्रकला है, वो नाटक की सीता सीता है भी नहीं भी है, तभी उस नाटक का नाटकत्व है, नहीं तो नाटक का नाटक बना। जो पंडित जी चित्रकला का अस्ति नास्ति बन के आए, चित्रकला है भी और नहीं भी। हाँ पक्की बात है, तभी तो बात बन रही है, वो चित्रकला है भी नहीं भी है। देखो सर, एक आदमी का गधे के सींग होते हैं, सिद्ध अरे एक बच्चे ने चित्र बनाया और उस चित्र में सींग लगा रखे हैं, तो उस घोड़े के तो चित्र होंगे कि नहीं? सूरज पश्चिम में निकल सकता है? कैसे? आपको इतनी बड़ी चाबी मिल गई है। तीन तरह की वस्तु होती है, मकान तीन तरह के होते हैं। एक तो जो वास्तव में फिजिकल है वो क्या है? जो गुलाब जामुन खाके आए हैं वो तो अर्थात गुलाब जामुन है, लेकिन एक गुलाब जामुन ज्ञान में होती है, एक गुलाब जामुन चित्र में होती है, शब्द में होती है। गुलाब जामुन वो लाल कोई दस कलर की हो सकती है, तिरंगी गुलाब जामुन हो सकती है, पेंटिंग तो हो सकती है ना, 15 अगस्त की गुलाब जामुन दिखानी है तिरंगे में दिखानी है। सियादवाद ये कहता है कि आप कभी भी कोई भी बात सुनो तो उत्तेजित मत हुआ करो, धड़ाम से झट से उत्तेजित हो जाते हो, उत्तेजित मत हुआ करो, ठंडे दिमाग से सोचा करो, हर बात में कोई भी बात सर्वथा सही नहीं होती है, एक ही दवाई दवाई भी और विष भी, एक ही दवाई दवाई भी है विष भी। मान लो मुझे बीपी हाई है तो डॉक्टर जो दवाई दे रहा है वो दवाई लो बीपी वाला भी ले सकता है क्या? मर जाएगा। एक ही वस्तु औसत भी है और एक ही वस्तु विष भी है, एक ही वस्तु ऐसी कमाल की। दुनिया के सब शास्त्रों में सियादवाद है। अभी मेरी नई किताब आई है न्याय बुद्धि की, न्याय मंदिर तो आपने देखी है ना, नई किताब आई है न्याय बुद्धि की,
उसमें मैंने 6 लेख लिखे हैं सियादिमा के और सातवां भी लिख रहा हूँ। वही दिमाग में चलता है, खूब सोचा है, खूब पढ़ा है, खूब चिंतन किया है। संपूर्ण उत्तर अगर आपको चाहिए किसी भी प्रश्न का, मैं कहा यूपीएससी में जितने भी यसों के क्वेश्चन होते हैं वो सब ले आओ, वो कौन बनेगा करोड़पति में जितने प्रश्न है ना वो सब ले आओ। मैं सब सियाक लगा लगा कर सही सिद्ध करूंगा, सर्वता लगा लगा कर। संसार का कोई भी वाक्य ऐसा नहीं है जो सर्वथा सत्य हो, और कोई भी वाक्य ऐसा नहीं है जो सर्वथा असत्य हो। हर वाक्य बोलो बेटा पंडित जी, अगर अपन इसमें ट्राई करें कि जैसे इंडिया ऐसा कैपिटल दिल्ली है, तो अब आप इसमें कैसे घटाएंगे? पुराने जमाने में आगरा भी इसने प्रश्न पूछा, भारत की राजधानी दिल्ली है, इसको सही से करो तो गलत से करो, दोनों ही करके दोनों कर करके भारत एक वाक्य है। ऋग्विद्या विशुद्धि, विशुद्धि ने एक वाक्य दिया, भारत की राजधानी दिल्ली है। अब इस वाक्य को स्याक लगा के सही सिद्ध करना है और सर्वथा लगा के गलत सिद्ध करना है, क्या दिक्कत है? आज है भारत की राजधानी दिल्ली, अनादिकाल से है क्या? अनंतकाल तक रहेगी क्या? पहले के जमाने में, बनारसी दास के जमाने में भारत की राजधानी आगरा थी, दिल्ली नहीं थी। और दिल्ली भी जब राजधानी बनी तब भी गर्मियों में शिमला बना लेते थे। क्या है इसमें, कौन छोटी बात है? तो इसलिए हर वाक्य, दुनिया का कोई भी वाक्य अगर आपको तत्व ज्ञान करना है, पूर्ण ज्ञान करना है, तो आपको सर्वथा कहीं भी नहीं लगाना है। अच्छा मैं घर पर हूँ तब घर पर हूँ, ये कैसे सर्वथा? जब मैं अच्छा मैं सर्वथा सर्वथा अपेक्षा से पेड़, जब बंदर ऐसा उदाहरण दिया है, एक पेड़ पर बंदर है तो बोले पेड़ पर बंदर है और है भी, अब इसको झूठा सिद्ध करो कि पेड़ बंदर पूरे पेड़ पर थोड़ी है, एक डाली पर है। समझ भाई बात, समझ भाई वो पूरी पर नहीं है। जैसे आपने कहा मैं दिल्ली में रहता हूँ, क्या पूरी दिल्ली में फैल गया हूँ? एक वाले मैं दिल्ली में रहता हूँ, अरे पूरी दिल्ली में थोड़ी रहते हैं। सिद्ध भगवान सुखी हैं, इसे गलत सिद्ध करो। और भी बहुत अपेक्षाएं हैं, एक और बताऊ आप उनकी पांच पांच तत्वस्मी कक्षाएं निकालो। सही भी पांच अपेक्षाओं से, गलत भी पांच अपेक्षाओं से, सिद्ध भगवान सुखी है ये बात भी हमारे अध्ययन का गलत है। कैसे गलत है? कौवा काला होता है, इसकी एक और अपेक्षा समझाई उन्होंने कि यदि कौवा काला होता हो, यदि कौवा सर्वथा काला होता हो, तो जितने भी काली चीजें हैं वे सब कौवा हो जाएंगे। कोई ना भी कौवा सिद्ध हो जाएगा, और कहीं कदाचित कोई सफेद कौवा होता होगा तो वो भी काला। इसलिए सर्वथा नहीं लगा, सिद्ध भगवान सर्वथा सुखी हो। देखना जरा ध्यान दे, सिद्ध भगवान सर्वथा सुखी हो तो फिर वे अनंत चतुष्टय के धारक नहीं बनेंगे, अनंत कोण वाले नहीं बनेंगे, केवल ज्ञानी नहीं बनेंगे। समझ में
ज्ञान भी है, दर्शन भी है, चारित्र भी है, और भी कौन कौन है? और आपने क्या कह दिया? वो सर्वथा सुखी है। तो सर्वथा सुखी होने से क्या होता है? किसी ने कहा गाती कर्मों के जैसे केवल ज्ञान होता है। सुनना बात, गाती कर्मों के जैसे केवल ज्ञान होता है, एक वाक्य में कोई दोष है? सुनना, सब समझ में आ गया? फिर से, गाती कर्मों के छह होने से केवल ज्ञान होता है, इस वाक्य में कोई दोष है? यहाँ भी सर्वथा नहीं लगा सकते, यहाँ लगा दो, सही तो बात है एकदम। घाती कर्मों के छह होने से केवल ज्ञान नहीं होता है, आप लोगों के हिसाब से तुम्हारे घाती कर्म छह होंगे तो केवल ज्ञान नहीं होगा। घाती कर्मों के छह होने से यदि सर्वथा केवल ज्ञान होता हो तो केवल दर्शन नहीं होगा, केवल सुख नहीं होगा, केवल वीर्य नहीं होगा, केवल केवल ज्ञान होगा। आया समझ में बात? घाती कर्म कितने हैं? चार। तो चार छह होते तो चार प्रकट होते हैं। घाती कर्मों के जैसे केवल ज्ञान नहीं होता, ज्ञानावरण के जैसे केवल ज्ञान होता है, दर्शनावरण कर्म के जैसे दूसरा होता है, अंतराय के रूप से दूसरा होता है, मोहिनी से दूसरा होता है। पकड़ में बात पकड़ में आई आपके? तो स्यादवाद लीला है, बहुत सुंदर है। और यही जैन दर्शन का वर्ण है गोमंत सार में 885 नंबर की गाथा है, उसमें बिल्कुल सीधा सच्चा लिखा है। अन्य दर्शनों में और जैन दर्शन में एक ही अंतर है। अन्य दर्शनों में सांख्य योग न्याय वैशेषिक ईसाई बाइबल पुराण सब की बातों में और समय सार की बात में क्या अंतर है? गीता में समय सार में क्या अंतर है? कि वहां सर्वथा लगा हुआ है और यहाँ स्याद लगा हुआ है। स्याद बात में जिनवाणी जय मंत्र है, ये बात तुम्हें अच्छे से समझ में। अब बोलो, दो तीन हाथ खड़े हो गए, बोलो बेटा। बड़ा सोच के बताया इसने। अच्छी बात है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, तुम्हारे साथ ही उत्तर देंगे, मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रश्न समझ में आया? सिद्ध भगवान संसार में वापिस आते हैं, इसको सिद्ध सही सिद्ध करोगे? स्थापना अन्य मत की अपेक्षा। करेक्ट। भगवान संसार में जन्म लेते हैं, अवतार लेते हैं, किस अपेक्षा? शरीर में भी अनंत जीव होते हैं, जो शरीर में रहते पर भी तो जीव होते हैं। चरणानुयोग की
अपेक्षा सार अगर ये शरीर सर्वथा जीव हो तो हिंसा हिंसा की सारी व्यवस्था खत्म। ऐसे है चार बाग दर्शन की अपेक्षा, चार बाग दर्शन वाले इसी को इसको जीव मानते हैं। तो ऐसे नाना चारवाग एक बहुत सुंदर सिद्धांत है और जैन दर्शन का प्राण है प्राण। आप कभी भी तत्व ज्ञान करने में सफल नहीं होंगे यदि स्यादवाद नहीं मानोगे। सब लोग गड़बड़ कर रहे हैं, कोई भी बात एक अपेक्षा से सही होती है, एक अपेक्षा से गलत होती है। बस जैसे किसी वस्तु का कुछ स्वभाव है, अगर हम उस स्वभाव में अपेक्षा लगा देंगे तो उसका स्वभाव बदला दिया जाएगा। तो इसे कैसे सिद्ध करेंगे यहाँ साधक कैसे? उसके स्वभाव में ही दो रूपता डली हुई है, उसके स्वभाव में ही दो रूपता। केवल वस्तु के स्वभाव का क्या है? ये वस्तु का स्वभाव अनेकांतात्मक है ना। वस्तु में नित्यता अनित्यता अस्ति नास्ति भेद अभेद सम्मेद शिखर में ही चारों धर्म भरे हैं। वो पूर्वस्थ भी है, वो पश्चिमस्थ भी है, वो उत्तरस्थ भी है, दक्षिण उसके स्वभाव में है। हाँ ऐसा लिखा है अकलन आचार्य ने, यदिदं स्वयं अर्थे दो रोचते तत्र केवयम्। ऐसे लिखा है, फिर से सुनो, यदिदं स्वयं अर्थे दो रोचते तत्र केवयम्। कि यदि ये बात पदार्थ को स्वयं रुचिकर है तो हम और हम कौन कौन होते हैं? हम जैसा वस्तु का स्वभाव परस्पर विरोधी धर्मों को समेटे हुए है, उसमें अनंत धर्मात्मकता है। उसके हर वस्तु बहुत सारे डायमेंशन लेके बैठी है, तो क्या करे? और ये तो दो तो आपको बताए, यानी कितने डायमेंशन होते हैं? अच्छा बताओ संवेद शिखर कितने किलोमीटर है, कितनी दूर है? दो पहले तो संवेद शिखर दूर है कि पास? कहां से कहां से नहीं, हर जगह से दूर पास है। किसी भी पॉइंट पे खड़े हो जाओ वो दूर भी सिद्ध हो जाएगा। अभी ये बारीक बात संवेद शिखर कितनी दूर है? अब पास वाला पक्ष छोड़ या पास वाला ही नहीं, ये संवेद शिखर कितनी दूर है? एक आदमी बोलेगा एक मीटर दूर है, दूसरा बोलेगा दो मीटर, तीसरा तीन मीटर, चौथा चार मीटर, पांचवा पांच मीटर, छठा एक किलोमीटर, दो किलोमीटर, तीन किलोमीटर, चार किलोमीटर, पांच किलोमीटर, सौ किलोमीटर, दो सौ किलोमीटर, हजार किलोमीटर, दो हजार किलोमीटर, सबके लिए अलग अलग है। तो उस वस्तु में उस संवेद शिखर में अनंत दूरियों के धर्म बने हुए हैं, उसमें अनंत निकट दूर के धर्म बने हुए हैं। मुझे कितना आनंद से आज बात पढ़ के आया है मैं बता ही नहीं सकता, मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। मुझे लगता है मुझे जिनवाणी जीवन भर समझ में नहीं आती अगर मैं से आज बात कभी समझ में नहीं। सब चल रही है धक्कम पे चल रही है, कोई समझ नहीं पा रहा है। देखो साथ क्यों लगाना, जो वक्ता कहता है ना वो वहां तक पहुंचता नहीं, एक्यूरेट नहीं पहुंचता है। अच्छा देखो मैं एक सिंपल शब्द बोलता हूँ, सिंपल जो सब जानते हैं, बिल्ली। अब सबने सुन लिया क्या? सुना बिल्ली। मैं जो कह रहा हूँ वो समझ गए? मैं एक बात पूछता हूँ, मैंने कहा बिल्ली,
इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो सब समझ गए ना। अब जरा अपने अपने कागज पे चित्र बनाओ, तब पता चलेगा कोई काली बिल्ली बनाएगा, कोई सफेद बनाएगा, कोई भूरी बनाएगा, कोई खड़ी बताएगा, कोई बैठी बनाएगा, किसी की इतनी छुट्टी होगी, किसी की मुड़ी होगी, ये क्या चक्कर है, ये फर्क क्यों आ रहा है? समझ में एक प्रश्न समझ पाया? मैंने जो बोला वही तुम समझे हो क्या? एक अपेक्षा से वही समझो और एक लग गया सा। मैंने दिल्ली बोला, अब ये 50 लोगों ने सुना तो वही सुना है कि नहीं सुना है? एक अपेक्षा से सबने दिल्ली समझा है, बड़ा बोला आदमी मैंने टूटा नहीं समझा, इस अपेक्षा से तो सब वही समझे। लेकिन बिल्ली भी जो मेरे दिमाग में थी, जो चित्र लेकर मैं बोल रहा था, वो चित्र आप तक कन्वे नहीं हो सकता। इसीलिए स्यादवाद की जरूरत है। स्यादवाद हो तो घर में, परिवार में, समाज में, देश में, सब जगह शांति हो जाए। ये बहुत अच्छा व्यावहारिक सिद्धांत है। ये कहता लड़ो मत, समझो, विवाद मत करो, संवाद करो। एक बहुत अच्छी दो पंक्तियां हैं, दिल मिले या ना मिले, हाथ तो मिलाते रहिए, बात बने या ना बने, बात तो चलाते रहिए। देखो अब मेरा भी मन थोड़ा सा खुश हुआ और तुमको भी कुछ मिला। हाँ बोलो दीदी। गलती सिद्ध हो गया ना कि अन्य मत की अपेक्षा से है वो। अरे भाई इसमें पूरा सिद्ध भगवान का पुनर्जन्म होता है, हमने तो मिथ्या मत की अपेक्षा, इसका मतलब है वो मिथ्या है। सिद्ध भगवान दुखी है भूत निगम में से, भूत निगम में का मतलब ही है आज दुखी नहीं है, पहले थे। मैंने वो बात गलत बात सही नहीं होगी, आपको क्या चिंता सताई कि ऐसे वो सही हो जाए? सही नहीं होगा वो। सिद्ध भगवान को दुखी सिद्ध कर दिया इन्होंने। अरे दुखी वर्तमान में थोड़ी सिद्ध कर दिया, ये बताया है कि बेबी वे भूतकाल में दुखी थे। अगर ये सिद्ध नहीं होना तो हम और आप भी कभी सिद्ध नहीं बन सकते। अगर सिद्ध भगवान भूत निगम में से भी दुखी सिद्ध नहीं हो तो हम और आप कभी भी सिद्ध नहीं बन पाए। हाँ बेटा कुछ कह रहे हो? सब कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। अपनी अपनी खेल है, अपनी अपनी मान्यताएं हैं, अपने नाम स्थापना द्रव्य भाव इतनी विवक्षाएं हैं जिनका कोई हिसाब नहीं। ये अपेक्षा आप भिन्न भिन्न देखो, हर परमाणु को दो परमाणु मिलते ही नहीं, दो परमाणु कभी मिलते ही नहीं है। मिलने का कथन तो व्यवहार है, झूठा है। परमाणु मिलते हैं ये कथन सही है क्या? बस तो अनेक परमाणु मिल ही नहीं सकते, परमाणु मिलकर कैसे बनेगा? समझ में आया? परमाणुओं का संयोग ही नहीं हो सकता। निश्चय कहते एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता ही नहीं, समय सार की तीसरी गाथा की अपेक्षा ये बात से हो जाएगी। तो ऐसे और बहुत सारी बात है, आपको सही बात समझना हो बहुत शांति से आज बात समझो, घटित करो, लगाओ और तब
भी आपको आनंद आएगा, यही मेरी भावना है। तो बहुत देर हो गई।